हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए आज का अपना टॉपिक, जल संरक्षण। दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूँ, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और जिसने पहले के वीडियोज़ नहीं देखे वो पहले के वीडियोज़ देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जल संरक्षण, दोस्तों जल संरक्षण में जो पहला पॉइंट अपन को देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है कि कुल जल कितना है। अगर बात करें पृथ्वी पर कुल जल की बात करें तो वो है 70.8%, 70.8% टोटल पृथ्वी पर जल है, जल की मात्रा है। वहीं अपन अगर बात करें कि जो 70.8 या 70.8% जल है, उसमें से महासागरीय जल है कितना, 97.3% या 97.3%, 97.3% कितना है, कौन सा है, महासागरीय जल। और वही जो पीने योग्य जल है वो मात्र और मात्र 2.7% जल ही है। अपन बात कर रहे हैं टोटल 70.8 में से 97.3% कौन सा है, महासागरीय जल, या फिर अपन बोल सकते हैं खारा जल भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये लवणीय जल बोल सकते हैं। और ये जो है ये पीने योग्य जो जल है वो मात्र और मात्र 2.7% ही है। वहीं दोस्तों जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में भारत के कुल जल का 1.16 या 1.16% भाग ही जल का राजस्थान में है। अगर भारत के कुल, अगर अपन बात करें, ये टोटल तो अपन ने वर्ल्ड की बात कर ली, अगर भारत में कुछ प्रतिशत है, मान लो 100% भारत में है, तो 100 का जो 1.16% है वो ही राजस्थान में है। वहीं अगर अपन बात करें राजस्थान में भूमिगत जल की, तो वो मात्र और मात्र 1.7% जल ही है। दोस्तों जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अपन को जल संरक्षण में याद रखना है वो है कि राजस्थान के 237 ब्लॉक्स में से 200 जो ब्लॉक हैं वो डार्क जोन में आ चुके हैं। दोस्तों राजस्थान को टोटल 237 ब्लॉक में बांटा गया है जल के संदर्भ में। वहीं अगर अपन बात करें 237 में से जो 200 ब्लॉक हैं वो डार्क जोन में आ चुके हैं, मतलब वहां पर पानी की कमी है राजस्थान में। दोस्तों नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जल संरक्षण करने की विधियां क्या क्या हैं, किस तरीके से राजस्थान में जल को संरक्षित किया जाता है। तो उसको करने के लिए कुछ विधियां हैं वो अपन को याद रखनी है, जिसमें अगर अपन सबसे पहली बात करें तो वो है बावड़ी। दोस्तों बावड़ी बनाई जाती है चौकोर सा इस तरीके से बॉक्स होता है, सीढ़ियाँ लगाई जाती हैं। आप अगर किसी ने बावड़ी देखी नहीं हो तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक बार आप गूगल पर सर्च करें और एक इमेज देख लें, ताकि आपको ज़िंदगी भर के लिए वो चीज़ माइंड में सेट हो जाए। तो वहीं बावड़ियों के संदर्भ में राजस्थान में कुछ इंपॉर्टेंट बावड़ियां हैं, उनके नाम याद रखने, कौन वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो अगर जो सबसे पहले बात करते हैं कि बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, तो दोस्तों बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है, बूंदी जिले को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। वहीं जो नेक्स्ट है वो है कि तापी बावड़ी कहाँ पर है, दोस्तों तापी बावड़ी है जोधपुर में। और वहीं भंडारेज बावड़ी कहाँ पर है, दौसा में। तापी कहाँ पर है, जोधपुर में, और भंडारेज कहाँ पर है, दौसा में। दोस्तों विनाता बावड़ी जो है वो है चित्तौड़गढ़ में। और एक और याद रखना कि चांद बावड़ी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में है चांद बावड़ी। तो दोस्तों नेक्स्ट जो संरक्षण विधि है वो है तालाब के माध्यम से भी करी जाती है। और तालाब के माध्यम से, तालाब तो आपने देखे होंगे, और तालाब में सिर्फ और सिर्फ अपन को ये याद रखना है कौन कौन से तालाब कहाँ कहाँ पर राजस्थान में स्थित है। जो हेमाबास का तालाब है वो पाली में है, सरेसी, और जो मेजा तालाब है वो दोस्तों कहाँ है, भीलवाड़ा में। मेजा से याद रखना, अपन ने बात करी थी कोठारी नदी पे मेजा बांध भी बना हुआ है, वो भी कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। ये अपन नदियों में बात कर चुके हैं, जिस भी स्टूडेंट ने नदियों वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है तो वो एक बार जरूर देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों पूरी नदियां मैंने आपको मानचित्र से करवाने की कोशिश करी है। वहीं जो नेक्स्ट आती है वो बानकिया, या पर बोल सकते हैं सेनापानी तालाब, वो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में दोस्तों। और वहीं जो नेक्स्ट जो तालाब आता है वो गिरसर, या अपन बोल सकते हैं गजरूप सागर जो तालाब है वो कहाँ पर है, जैसलमेर में है। दोस्तों ये चार इंपॉर्टेंट याद रख लेना, यहाँ से सिर्फ स्थानों के नाम आ जाते हैं, जैसे हेमावास का तालाब कहाँ पर है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। वहीं जो तीसरा जो विधि है वो है दोस्तों झीलों के माध्यम से। झीलें खूब है राजस्थान में, खूब सारी झीलें बनाई हुई है, सभी झीलों को अपन डेप्थ में पढ़ेंगे झीलों वाले टॉपिक में। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको नाम बता रहा हूँ, वो भी कुछ इंपॉर्टेंट का ही, बाकी जितनी भी छोटी मोटी, जितनी भी बड़ी झीलें हैं, छोटी झीलें हैं, सभी झीलों को अपन डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करेंगे झीलों के टॉपिक में। तो एक याद रखना, जयसंबंध उदयपुर में है, राजसंबंध राजसंबंध जिले में ही है, सांबर जयपुर में है,
पंचपद्रा बाड़मेर में है, डीडवाना या खालदा अपन बोल सकते हैं नागौर में है, फतेह सागर या पिछोला झील उदयपुर में है, पुष्कर, फाय सागर, आना सागर तीनों की तीनों कहाँ? अजमेर में है। वहीं नक्की झील कहाँ? सिरोही में है। और कालियाना झील कहाँ पर है? जोधपुर में। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट झीलें हैं, इनके सिर्फ नाम याद रख लेना, बाकी सभी झीलों को डेप्थ में अपन करेंगे झीलों वाले टॉपिक में। दोस्तों नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है नाडी। तो नाडी क्या होता है दोस्तों? नाडी तालाब का ही छोटा रूप होता है। तालाब के छोटा रूप को क्या कहा जाता है? नाडी कहा जाता है। और इसमें वर्षा का जल एकत्रित किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट जो संरक्षण विधि है वो है टांका। और टांके के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो जो टांका होता है दोस्तों वो होता है अपन बोल सकते हैं कटोरी नुमा, इस तरीके का टांका होता है, ठीक है ना। इसके चारों ओर पक्के भाग को आगोर कहा जाता है। इसके चारों ओर का जो पक्का भाग होता है ये इस तरह कटोरा नुमा आकृति का जो होता है इसे टाका कहा जाता है। इसमें जल एकत्रित किया जाता है। इसके चारों तरफ दोस्तों क्या बनाया जाता है? पक्का भाग बनाया जाता है जिसे आगोर कहा जाता है, ये याद रखना। और जल स्वावलंबन योजना के तहत इसे बनाया जा रहा है। ये योजना राजस्थान में चल रही है, इसको अभी थोड़ा डेप्थ में अपन थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो नेक्स्ट जो विधि है वो है जोहड़ के माध्यम से जल का संरक्षण किया जाता है। और अगर अपन बात करें कि जोहड़ होता क्या है तो दोस्तों जोहड़ जो है वो टांके का ही बड़ा रूप है जिसे जोहड़ कहा जाता है। और जोहड़ सर्वाधिक आपको शेखावाटी प्रदेश में देखने को मिलेंगे। और वहीं दोस्तों अपन ने स्टार्टिंग में थार के मरुस्थल जब अपन ने पढ़ा था तो उसमें एक चीज पढ़ी थी कि जोहड़ वाले बाबा किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह को जोहड़ वाले बाबा कहा जाता है। वहीं दोस्तों जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है या जल संरक्षण विधि आती है वो आती है बेरी के माध्यम से। और बेरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो बेरी है वो एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि तालाब के समीप बनाई जाती है। और ये इस तरीके से कुई नुमा होती है। इसकी जो चौड़ाई होती है वो 5 से 7 मीटर होती है। और अगर गहराई की बात करें तो लगभग 1 किलोमीटर तक हो जाती है। ये बात करते हैं इस तरीके से बेरी बनाई जाती है। और ये तालाब या खड़ीन के चारों तरफ बनाई जाती है। और खड़ीन अभी अपन देखते हैं कि खड़ीन क्या होता है? जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बनाई जाती है। दोस्तों ये एक तरीके के स्पेशल तरीके की वो जल संरक्षण विधि है जो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बनाई जाती है। यहाँ से कई बार प्रश्न बन जाता है कि पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जल संरक्षण विधि कौन सी है? तो वो है खड़ीन। और ये इसमें ऐसा कहा जाता है कि इसका जो पानी होता है वो सबसे उपयुक्त पानी होता है पीने योग्य। वहीं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है टोबा। तो दोस्तों टोबा जो होता है वो नाड़ी का ही बड़ा नाड़ी का ही पक्का रूप होता है। और नाड़ी अपन देख चुके हैं कि तालाब का छोटा रूप होता है। तालाब का जो कच्चा रूप है उसे तो नाड़ी कहा जाता है। और तालाब का अपन बोल सकते हैं जो पक्का रूप है उसे क्या कहा जाता है? टोबा कहा जाता है। या नाड़ी का जो पक्का रूप है उसे टोबा कहा जाता है। एक याद रखना, नेहट या नेस्टा। दोस्तों नाड़ी या फिर तालाब के अतिरिक्त जल को, जैसे मान लो अपन ने कोई तालाब अपन ने बनाया, उसके जो अतिरिक्त जैसे ओवरफ्लो हो गया या भर गया वो, तो उसके बाद में जो अतिरिक्त जल को संरक्षण करने के लिए नाड़ी को बनाया जाता है, या उसे क्या कहा जाता है? नेहटा या फिर नेस्टा कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि राजस्थान में जो योजनाएं चल रही हैं पानी पानी या फिर जल संरक्षण को लेकर, वो वहां से कई बार क्वेश्चन निकल जाता है। यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि ये करंट का टॉपिक है, यहाँ से कई बार करंट के क्वेश्चन निकल जाते हैं। फिर भी अपन कुछ एक टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जो पहला योजना है वो है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। दोस्तों ये शुरू करी गई थी 27 जनवरी 2016 को, और किसके द्वारा? श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया मैडम के द्वारा ये शुरू करी गई थी। 4 वर्ष में 21,000 गांवों में टांके बनाए जाने की योजना बनाई गई है। क्या कहा गया है इस योजना में? इसमें कहा गया है कि 4 वर्ष के भीतर 21,000 गांवों में टांके बनाए जाएंगे। वहीं जो नेक्स्ट है वो है इम्पोर्टेंट पॉइंट कि राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब कब बना था? ये बना था 1986 में, 1986 में राष्ट्रीय पेयजल मिशन बना था। वहीं अपन बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान सरकार भूमिगत जल बोर्ड ये बना था कहाँ पर? जोधपुर में 1950 में। और किसके द्वारा बनाया गया था? केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया था। वहीं 1955 में इसी को किसको? राज्य सरकार भूमिगत जल बोर्ड को राज्य सरकार को सौंप दिया गया था। पहले किसने बनाया था? केंद्र सरकार ने। फिर 1955 में किसको सौंप दिया? राज्य सरकार को। और 1973 में क्या हुआ था कि नाम बदलकर इसका भू जल बोर्ड विभाग रखा गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से कई बार प्रश्न निकल जाता है। और वहीं अपन जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि रासायनिक तत्वों की जांच के लिए 3 प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं।
वो तीन प्रयोगशालाएं कहाँ कहाँ बनाई गई हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वो तीन याद रखना, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर तीनों पे क्या बनाई है, रासायनिक तत्वों की जांच के लिए तीन प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं। वहीं नेक्स्ट जो और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जल संरक्षण में, वो ये है कि 18 फरवरी 2010 को जल संरक्षण एवं उपबंध नई जल नीति बनाई गई थी। ये प्रश्न निकल जाता है कि नई जल नीति कब बनाई गई थी, 18 फरवरी 2010 को बनाई गई थी। तो दोस्तों ये कंप्लीट था जल संरक्षण को लेकर टॉपिक। कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। जिस भी स्टूडेंट ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू सो मच।